देश में रैपिड किट टेस्ट पर केंद्र ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 8 राज्यों में आईसीएमआर ने सर्विलांस का काम पूरा कर लिया है। नतीजों की जांच की जा रही है, उसी के बाद रैपिड टेस्ट पर आगे की रणनीति तय होगी। कोरोना को हराना है तो मरीजों का वक्त पर पता लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए रैपिड किट टेस्ट शुरू हुए थे। लेकिन चीन की किट ने ऐसा सियासी संग्राम मचाया कि रैपिड टेस्ट ही खटाई में पड़ गए। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब रैपिड टेस्ट और चीन की बनी किट पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने अगले आदेश तक एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। देश के तमाम राज्यों को सरकार ने हजारों की तादाद में रैपिड टेस्ट किट मुहैया कराई थी। तमाम राज्यों में इन टेस्ट को शुरू भी किया गया, लेकिन चीन की किट से किए गए टेस्ट के नतीजे संदेह के घेरे में थे। लिहाजा राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ने इसके इस्तेमाल पर रेड सिग्नल दिखा दिया। सप्लाई ही नहीं कर रहे थे और काफी समय हो गया था उनको हमें ऑर्डर दिए हुए, और वो महंगे रेट पर भी कर रहे थे। हमें उससे काफी सस्ते रेट पर मनेसर में ही, जो कि हमारे हरियाणा में ही है, वहां पर साउथ कोरियन कंपनी है, उसकी बनाई हुई वो अप्रूव हो गई थी आईसीएमआर से, तो उसको हमने ऑर्डर दिया 1,00,000 किट्स का, और उन्होंने 25,000 हमें सप्लाई भी कर दी। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट। इस बीच आईसीएमआर ने 8 राज्यों में रैपिड टेस्ट के बारे में सर्विलांस पूरा कर लिया है। जल्द ही इसके नतीजे जारी किए जाएंगे, उसी के बाद टेस्टिंग की आगे की रणनीति तय होगी। आज तक ब्यूरो।